अन्ने मेरा छोरा मार दिया पुलिस वाला का कहना है शमशेर राज वो डी एस पी का अक माँ का खिलाफ करेंगे माँ ने मारे मार है वो कहना स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठ्ठू घुमाने की राम राम और नमस्ते भाई मैं फिलहाल छपार में बैठा हूँ छपार भाई जज जजिला गाँव है और भाई आठ या नौ महीने पहला सचिन नाम का युवक था भाई छपार का और भाई उसकी हत्या हो जाए और ये ताई बैठी मेरी गला

तो भैंस के पीछे लेने गया था उसके पीछे अस्सी हजार पाँच सौ रुपए थे नौगा का कोई मनोज था उसने दी थी तो पीछे लेने गया था पीछे दे दिए दे के दिए अच्छा। तो भाई उसने फोन करा फोन मेरी माँ फोन करके बताई अगर मेरे पैसे छीन लिए मेरी माँ ने मेरे बताई तो अनपढ़ था भैंस भूसा काम करा करता अपने दूध दाद का ट्रैक्टर टूक्टर का यो काम था उसका मेरी माँ ने मेरे तो बताई भाई मैंने एक सौ बारह के ऊपर फ़ोन करा एक सौ बारह के ऊपर फ़ोन करके जी ऐसे ऐसे मेरे भाई के पैसे छीन लिए यहाँ बोले पैसे आपके छीनने के आपके भाई के माँ मेरे भाई के छीनने हैं तो बोले जी आ, आपके भाई को कहो कि इस नंबर के ऊपर कॉल कर ले एक नंबर के ऊपर तो फ़ोन आ रहा था मैंने वो भाई तो दिए मैं मूँ नंबर के को ऊपर कॉल कर ले भाई ने नंबर के को ऊपर कॉल किया वहाँ पुलिस आ गई पुलिस आने के बाद मैं जी थोड़ी बहुत देर के बाद मैं घूम फिर के वो जो छीनने वाले थे वो लोकल थे जिसने दिए थे उसने ही साजिश करके वहीं पे बुला रखे थे मेरी सगी मछिया लड़का भी इन्वॉल्व था वहीं पे आ गए सर उनको पुलिस वालों ने 112 सौ आ गई थी मौके के ऊपर कॉल किया था तो एक सौ वालों ने चौकी वालों को बुला लिया चौकी वाले उसको बैठा के लेके गए बैठा लेके गए तो सर मेरा भाई तो बैठा ही रखा चौकी पर ले गए झाडली चौकी बात है सर तो मेरा भाई तो वहीं पे बैठा ही रखा उन्होंने और जो छीनने वाले थे उनको छोड़ दिया काफ़ी टाइम हो गया सर बैठे बैठे उसको दस ग्यारह बजे तक बैठा है रखे सर पुलिस ने टॉर्चर किया वो चाह रहे थे कि एक सौ बारह के ऊपर कॉल कर रखी कि ये बोल दे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो सर वो उसने बोला नहीं कि पैसे जब तक नहीं मिल जाए कॉम्प्रोमाइज के लिए कैसे बोल दूं नेक्स्ट डे फिर बुला लिया सर बोले कल आ जाना कल तेरा करवा देंगे तो सर मेरे पास भी कॉल आया कि आपने एक के ऊपर कॉल की थी आपको पैसे मिलेंगे आप आ जाओ तो सर मैं जब तक गया गया तो मैं भी था मैं वो पहले चला बुला लिया था मैं बाद में गया हूँ तो मैं गया उससे पहले तो सर उसको उन्होंने टॉर्चर किया है पुलिस वालों के सामने जो छीनने वालों थे उसने आके गाड़ी की है मारपीट की है तो मैं वहाँ पूछा सर उससे पहले मेरा भाई निकल लिया था सर मेरे को उन्होंने पचपन हज़ार रुपए दिए हैं बोले ये बरामद हुए हैं बाद में देखेंगे और कुछ मैंने मेरी माँ को बताया कि माँ ये पचपन हज़ार दे रहे बोले भाई कुछ दो हैं वो लेके आ जा रड़ तो बाड़ भली पाचा ही पाचा देखा मैं अपने धोरे तो मैं लाग दे दूंगी उसने हम आ गए सर घर आ गए हमने भाई को ढूंढा काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद करीबन छः साढ़े छः के आसपास के टाइम था हमें मिल गया था वो गांव में ही तो सर जैसे ही मैंने देखा उसको देखते ही शायद सर मेरे चपट कर रोन लग गया माँ क्यों के बात है बोलिया तने ना बेरा मैं तो कितना दुखी कर हूं मैं तो कितना गंदा बोलें कितना दुखी कराया हूँ सर बहला पूछ के कि मैं यार मेरी माँ उसने घर न ली आए मैं कोई बात ना जो कुछ हो गया देखाएंगे मैं तू आ जा सर घर लिए आए तो उसका तो सर दिमाग में वही बात चल रही थी वही निकल ही नहीं रही थी उसका दिमाग में बात तो सर वो मैं अपने रूम में चला गया तो वो आया पापा द्वारा फोन लिया पापा फ़ोन दिए मरने से पहले सर उसने एक सौ बारह के ऊपर कॉल कर दी एक सौ बारह के को ऊपर कॉल करके सर वो तो करते हैं फोन ने भगा के निकल गया भाग गया सर हम ढूंढे सर तब ढूंढ रहे थे सर तब तक यहाँ वो आ गई एक सौ बारह वाली गाड़ी आ गई तो बोले क्या बात है हमें इतनी पता आप बताओ क्या बात है बोले वो सचिन ने फोन किया है मैं सुसाइड कर रहा हूँ तो हमें नहीं पता सर फिर एक सौ बारह वालों ने माथुरली तो थाने वालों को बुला लिया थाने वाले बोले क्या बात है मुझे दो दिन से उसके पैसे छीन रखे थे वो दुखी कर रखा था बोला तुम भाई को तो तुम्हारे पैसे आ जाएंगे थाना वालों ने बोला मैं पैसे की बात नहीं सर भाई छी अभी तो तो सर हम ढूंढ रहे थे जैसे ढूंढते ढूंढते करीबन दस ग्यारह साढ़े दस ग्यारह का टाइम हो गया था तो झाड़ली चौकी का जिसका सर इस मुकदमे मीनू में वोल राजपाल होलदार एक पवनवीर यशाई था सर चौकी इंचार्ज पवनवीर एक सर नौगावा का था जो मुक़दमे में वोल है एक और था सर कौन था वो हमारे घर आए पैंतीस हजार पाँच सौ रुपये देने के लिए आके सर मेरी माँ को बोले ताई गलती होगी ये है वो है ये लो पैंतीस हजार पाँच सौ आपके मेरी मैं माँ ने पैसे ना पकड़े

और मेरे भाई को उसने चौकी में पुलिस वाला राजपाल जो हलदार था उसके साथ मिल के ना मेरे भाई को उसने मार पीट, मार पीट करी।, करी है अच्छा अब क्या कर बचा उन्होंने तो जो मेरी सगी मौसी का लड़का है वो उन्होंने बुला रखा था फैसला करवाने के चक्कर में फैसला कर लो उसने मेरे भाई के ऊपर प्रेशर बनाया मेरे भाई को मेंटली अपसेट किया है और प्रेशर बना रहा था तो गाली गड़ो मारपीट भी की है अच्छा फिर आज जब जधर एसपी ऑफिस में गए थे तोड़े तक ये कुछ जवाब आया सर एसपी साहब की तो बात ये है कि एसपी साहब सर हम पिछले छः महीने से चक्कर ही काट रहे हैं ना तो कोई सुनवाई कर रहा ना कोई और को, 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 ना हमें अब सर इस पुलिस के ऊपर कोई भरोसा रहा अच्छा तय राम 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 भाई अच्छा तय के केड़ा चाहोगे बाप के इंसाफ मांगो मैं इंसाफ न्यू मांगना चाहूं भाई मैं जेल में गिरतों तन्ने जेल में क्यों गिर दे तेरा छोरा था तन्ने जेल में क्यों गिर मन ने मेरा छोरा मार दिया पुलिस वाला का कहना है शमशेर राज वो डी एस पी का अक माँ का खिलाफ करेंगे माँ ने मारे है वो अच्छा मतलब माँ के खिलाफ कार्रवाई करो कि माँ ने अपना बेटा मार दिया हाँ। यो यह बात की तो ही है यह बात की तरी है कि माँ अपना बेटा मार दिया डीएसपी शमशेर के पास

हमने ये बंद करा हमने वो पहाड़ पोस्ट मेरी माँ ने कराया था वो मारण मार कराया था, कर रहा था। <laughs> तो भाई जो सचिन नाम का युवक है तेईस साल का भाई उसकी हत्या इसकी गुत्थी सुलझी जी नहीं वह जो ताई है या भाई बेल बख रोह की मन ने अपना बेटा मार दिया के प्रशासन का कहना है कि ताई ने अपना छोरा मार दिया तो थम ने इस वीडियो में क्या लाग है अपनी राय जरूर दियो और इस वीडियो में शेयर कर दो मिलते अगली वीडियो से जय हरियाणा और जय हरियाणा